मध्य प्रदेश के जिला रतलाम से 2 माह पहले से गायब मंदबुद्धि महिला को रामपुर के जिला अस्पताल प्राइवेट एम्बुलेंस चालक जुबेर खान ने फोन द्वारा परिवार वालों से संपर्क साधते हुए इस मंदबुद्धि महिला को परिवार के सुपुर्द किया। परिवार वालों का 2 माह के बाद महिला को देख खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। अगर ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में रहेंगे तो शायद कोई भी महिला या किसी की भी बहन बेटी कभी परेशान न होगी। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक जुबेर खान ने अस्पताल के ही अंदर एक सुरक्षित स्थान पर उस महिला को रखा और वहां पर जिस तरह की भी सेवा हो सकती थी उन्होंने सेवा के साथ साथ मंदबुद्धि महिला की रक्षा करने में कमी नहीं की। जुबेर खान से इस बारे में पूछा गया तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए और कहा, नाम है आपका? जुबेर खान। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हूँ जी। एक अभी कुछ दिन पहले एक मनबुद्धि लड़की यहाँ पर आई थी, उसके कैसे आपने समाज सेवा करी, वो किस तरीके से वो अपने घर पहुँची? मैं वो 2 महीने से यहाँ पर भटक रही थी, मैं उसकी देखभाली करता था। उसने मुझे एक बार नंबर दिया, गलत नंबर दिया, तो मैंने अपने पिया से एक आध नंबर आगे पीछे करके मिलाया, तो वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की शुभम कॉलोनी की थी। मैंने उसके परिवार वाले के संपर्क करा तो 15 दिन में उसके घर वाले यहाँ पर आए। उनको मैंने अपने घर ले गया, घर ले जाने के बाद उनको रेस्ट कराया, सुबह को मैंने उनको टिकट करा के और भिजवा दिया। क्या नाम क्या था उस लड़की का? मंजू नाम था, पति का नाम था शेखर पंचोली, मध्य प्रदेश रतलाम की रहने वाली। अच्छा, महिला थी ये? जी। तो लेने कौन कौन आया था? उसकी माता आई थी और मामू दादा भाई आया था, मामा का लड़का। आप जुबेर भाई बताइए, उस लड़की को यहाँ से कहाँ ले गए थे आपने, किस तरीके से उसको सेपरेट रखा और किस तरीके से आपने उसकी सेवा करी? मैंने उसकी यहाँ पर अस्पताल में मतलब गेट पे सेवा करता रहा, घर पे तो मैं नहीं लेके गया उसको, घर पे लेके जाता तो बदनामी होती, लोग देखते कि क्या बात है। इस मारे मैंने यहाँ पर उसकी सेवा करी, उसकी माँ बाप को सूचना दी, फिर नहा धुला के और यहाँ पर उसके घर भिजवा दिया। और जितनी भी यहाँ पर कोई आता रहता तो मैं उनकी सेवा करता रहता हूँ, ताकि और मैं लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी महिलाएं अगर रोड पे हैं तो उनसे पूछे और उनके परिवार वालों को सूचना दे। ये आपने पहली बार ऐसा करा है सेवा करी, ये आप करते रहते हैं? नहीं, मुझे तो ये सेवा करते हुए तो कम से कम 8-10 साल हो गए, क्योंकि मेरी बहन भी दिमाग की रह चुकी है। इस बारे में उसको देख के सफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि जब मेरी बहन है तो दूसरी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बहन एक ऐसी पीड़ित हैं? पीड़ित है, मगर अब वो सही हो गई हैं। कैसा लगता है आपको ये समाज सेवा? मेरे मन को बहुत शांति मिलती है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेवा कर और मन धन से करूँ।